नमस्कार। आज आपको मैं SSOID कैसे बनाते हैं, यानी सिंगल साइन ऑन, किस प्रकार से हम सिटीजन नागरिक की या एक आम नागरिक की SSOID हम कैसे बनाते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमको एड्रेस या एड्रेस बार में जाके हमको sso.rajasthan.gov.gov.in डालना होगा। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद जैसे हमारे पास पहले से अगर SSOID बनी हुई है तो हम यहाँ से SSOID और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी आम नागरिक की SSOID कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ये रजिस्टर आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो खुलती है। तो यहाँ पे हम तीन प्रकार से SSOID या तीन प्रकार के लोगों की SSOID हम बना सकते हैं। जैसे सिटीजन यानी आम नागरिक, कोई भी आम नागरिक अपना क्या है कि SSOID बनवा सकता है। और ये एक उद्योग है, उद्योग मतलब अपने पास अगर कोई उद्योग जो बिजनेस नंबर है या बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके द्वारा भी हम अपनी SSOID बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें क्या है, हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हमको SSOID बनानी है तो हम इस ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिटीजन की SSOID कैसे बनाते हैं। सिटीजन अपनी SSOID अपने भामाशाह आईडी के थ्रू बनवा सकता है, अपनी आधार आईडी के थ्रू बनवा सकता है, यानी आधार कार्ड के द्वारा बनवा सकता है, और अपनी फेसबुक आईडी के द्वारा बनवा सकता है, और अपनी जीमेल आईडी के द्वारा बनवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि रजिस्टर फेसबुक आईडी के द्वारा अगर अपन जो SSOID बनाते हैं तो यहाँ पे हमको लिमिटेड एप्लीकेशन की एक्सेस मिलती है, यानी कि हम लिमिटेड एप्लीकेशन ही एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा ही जीमेल के द्वारा है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आजकल की जो फेसबुक आईडियां हैं बहुत सारी फेक बनी हुई होती हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे जीमेल और फेसबुक के द्वारा जो लिमिटेड एक्सेस है वो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भामाशाह से अगर हम अपनी किसी आम नागरिक की SSOID बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले रजिस्टर यूजिंग भामाशाह आईडी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम अपना यहाँ पर भामाशाह आईडी डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करते ही हमारे पास जो भामाशाह आईडी में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका बायोडाटा खुल जाएगा, और हमको जिस सदस्य की SSOID बनानी है वो उस पर क्लिक करके हम बना सकते हैं। उसके बाद में है यूजिंग आधार आईडी। तो आधार आईडी से अगर अपने SSOID किसी सिटीजन की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका आधार एंटर करना होगा। आधार एंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। तो ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही ऑथेंटिकेशन मांगता है, यानी कि जो भी आदमी है या वो अपना आधार का सत्यापन करेगा, यानी वेरिफिकेशन करेगा कि कैंडिडेट वही है जो आधार नंबर है, जिसका आधार नंबर है वो कैंडिडेट वही है क्या, उसका मतलब या तो OTP के द्वारा या फिर हम बायोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे OTP के द्वारा ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो OTP के बाद में हम सेंड OTP करेंगे, तो जो आम नागरिक है उसकी मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP जैसे ये OTP सेंड हो गया, इसमें हम अपना OTP डालते हैं। हमने यहाँ पर मोबाइल पे प्राप्त हुआ OTP डाला और वैलिड OTP करते हैं। वैलिड OTP करने के बाद ये जैसे कैंडिडेट है इसका नाम आ जाता है, तो इस पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में ये जिस नाम से हमको SSOID बनानी है वो नाम हमारे सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पे है ये नाम दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। और वो परिवर्तित नाम ऐसा होना चाहिए जो जिसकी उस नाम से किसी कैंडिडेट की SSOID पहले से नहीं बनी हुई है। अगर यहाँ पे किसी कैंडिडेट की SSOID इस नाम से बनी हुई होती तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एडिटेबल हो जाता। तो यानी कि इस कैंडिडेट की इस नाम से कोई SSOID नहीं बनी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालते हैं। तो नाम के पश्चात हमको पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है, पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद ही हमारी SSOID बन जाती है। जैसे कि हमारी SSOID अब बन चुकी है, हम आईडी पासवर्ड डाल के और उसमें क्या है कि लॉगिन कर सकते हैं।
इस प्रकार हम किसी भी आम नागरिक की या सिटीजन की SSO ID बना सकते हैं। धन्यवाद।